एक धर्म है, एक परम धर्म है। ये मैंने धर्म के चार लक्षण बताए हैं आपको। एक परम धर्म है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। परम धर्म किसको कहते हैं, आप जानना चाहेंगे कि नहीं? जवाब दीजिए, जानना चाहे तो बताएं। सवै पुंसाम परो धर्मो। परम धर्म उसको कहते हैं जो परम धर्म हमें प्रभु के चरणों के लिए प्रेरित करे, प्रभु से प्यार करा दे, प्रभु से रिश्ता जुड़वा दे, प्रभु के करीब ला दे, प्रभु के याद में रुला दे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको दुनिया वालों ने कितना रुलाया है? सच बोलना, झूठ नहीं। कितना रुलाया दुनिया वालों ने आपको? क्यों शर्म आ रही है क्या? सच तो बोल ही सकते हैं, और भगवान के पंडाल में तो सच बोलना ही पड़ेगा। बोलिए ना, दुनिया वाले रुलाता ज्यादा है या हंसाता ज्यादा है या खिलाता ज्यादा है, बोलना जरा। है एक शायर लिखा है, शायर ने, जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, बिसेला नाग बन बैठा मुझे ही काट खाने को। जिस दुनिया को मैं अपना हार समझता था, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा वो है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, अब वही बन के हमको आपू खरे और खा जाए और गोविंदाय नमो नमः। सच ये तो है, लेके बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। उन्हीं लोगों ने तबाह कर दिया जिनको हम अपना कहते थे। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा जो बचा है वो भी जा ही रहा है। तो जिसको हम अपना समझते हैं वो गैर हैं, लेकिन समझ में नहीं आता हमारी में। कब समझ में आएगा ये तो ठाकुर जी जाने। लेकिन परम धर्म वो है महाराज जो हर चीज को भुलाकर प्रभु की याद में रोने को विवश कर दे। और एक बात बताऊं, प्रभु की दुनिया रुलाती है तो दुख होता है, और प्रभु की याद में जब रोते हैं तो दुख नहीं होता मेरे भाई बहन, अपार सुख होता है जब हम प्रभु की याद में रोते हैं। जितना दुनिया वालों के साथ हंसने में आनंद नहीं है, जितना परमात्मा के साथ रोने में आनंद है। तेरा प्रभु की याद में बहाया हुआ एक आंसू, प्रभु की याद में तेरा एक आंसू अगर गिर जाए तो 100 मन गंगा जल से ज्यादा पवित्र है मेरे भाई बहन, 100 मन गंगा जल से ज्यादा पवित्र। लेकिन अफसोस, ये आंसू मेरे गोविंद के लिए नहीं गिरते, ये आंसू दुनिया के लिए गिरते हैं रे। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? बोलिए क्या है? अरे कभी तो प्रभु की याद में ये आंसू गिरे, और इसकी वजह कोई और नहीं, हम ही लोग हैं। हम मिथ्या दोष किसी को दें, रामायण कहती है काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुनिया वालों ने हमें इसलिए रुलाया क्योंकि हमने दुनिया पर फेथ किया, विश्वास किया। दुनिया का दोष नहीं, हमारा दोष है। या किसको नहीं पता सत्य क्या है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। जानते सब हैं, प्रॉब्लम है मानते नहीं। अगर हम जानने के साथ साथ मानने लग जाएं तो हम दुनिया वाले हमें नहीं रुलाएंगे, हम कृष्ण की याद में रोएंगे। और जिस दिन तुझे कृष्ण की याद में रोना आ जाए ना मेरे भाई, उस दिन को बड़ा संभाल के रखना, क्योंकि जिंदगी का वही स्वर्णिम दिन होगा, वही स्वर्णिम समय होगा जो तुझे कृष्ण की याद में रोना पड़े। घर में भैया भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न भी नहीं है, इसलिए तुम यहां रहो, सबकी सेवा करो। लेकिन लक्ष्मण कहते ही महाराज, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वंबे रामचंद्र दयालु नारने जाने नहीं जाने न जाने। माता पिता भाई बंधु स्वामी सखा,
अगर मैं किसी को जानता हूं तो वो आप हैं, आपके सिवा मैं किसी को जानता ही नहीं। राम जी की बात न मानना धर्म तो नहीं हो सकता। राम की बात न मानना, लक्ष्मण से राम जी कह रहे तुम यहीं रहो, सेवा करो, सबकी सेवा करो, और लक्ष्मण कह रहे मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा। अब बोलो ये धर्म है क्या है? क्या है? यही परम धर्म है। मैं राम की सेवा के लिए राम की भी नहीं मान रहा, मुझे राम की सेवा चाहिए। और जो राम के शब्द हमें राम से दूर कर दे, कई जिद्दी प्रेमी भक्त उसको नहीं मानते, लक्ष्मण जैसा हटी नहीं मानता। मेरे तो अजो कुछ है ना, मोरे एक सबई तुम स्वामी, सर्वस्वम बे, मेरा सर्वस्व तुम हो। भाई मैं अलग अलग माँ बाप की सेवा क्यों करूं, जब मैं एक ही में सब कुछ देखता हूं तो मैं एक ही को मनाऊंगा ना, तो सब अपने आप मान जाएंगे। बोलो राधे राधे राधे। सही है गलत है? मैं सबको नहीं मना सकता, मैं आप ही को मनाऊंगा। महाराज लक्ष्मण कहते ये परम धर्म है, मेरे को आप ही को मनाना। दूसरा एक प्रसंग आता है, हमारे वृंदावन के एक संत थे, जमुना किनारे स्नान करने गए, जमुना जी में स्नान, तो स्नान से पहले दातुन करते। आजकल तो वो सब चल गया है, वो घिसने वाला सिस्टम कुछ दूसरा, तो अपने आप जन पता नहीं कर लेते और कहीं वाइट हो जाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं होते वाइट, तो होते नहीं फिर भी सब करते। लेकिन पहले की दातुन होती थी वो वृक्ष की लकड़ी लेते थे, तो उससे है यहाँ तो अभी भी चलता होगा कि नहीं चलता है? कितना अच्छा होता था, आहा सब संकट अपने आप कट जाते थे दांतों के। और पुराने लोगों से मिलो सब उनके दांत बहुत चलते थे, आजकल के लोगों से मिलो पता नहीं यूं ही झट बाहर आ जाए, पता ही ना चले दांत। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो दांतुन कर रहे संत जी, दांतुन कर रहे, एक दिन निकल गया दांतुन करते करते, दूसरा भी दिन निकल गया दांतुन करते करते, वहीं खड़े हैं, तीन दिन निकल गए दांतुन करते करते, तीन दिन। वहां जो लोग नित्य स्नान करने वाले थे उन्होंने देखा बाबा जी को क्या हो गया, यहीं खड़ा है बाबा जी तीन दिन से दांतुन ही कर रहा है, कुछ पता ही नहीं इसको। चौथे दिन उन लोगों ने बुलाया बाबा, बाबा डंडोत। तब उनको होश, हाँ कहिए कहिए कैसे? अरे बाबा पिछले चार दिन से दांतुन कर रहे हो, क्या दांतों को उखाड़ के छोड़ोगे? ये दांतों को आज ही जमा दोगे जिंदगी भर के लिए? चार दिन से जमा रहे हो, दांतुन कर रहे हो, क्या है? संत जी को होश आया, अरे मैं चार दिन से, मेरे ठाकुर जी की पूजा रह गई, मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार रह गया, मेरे ठाकुर का ये सब ये सेवा छूट गई मेरी चार दिन से। अब ये सेवा छूटी कैसे? चार दिन पता भी नहीं चले कैसे, दांतुन करते रह गए कैसे? जानते हो वो चारों दिन मेरे ठाकुर की याद में इतना खो गए कि वो खड़े हैं इन बात का भी एहसास उनको नहीं रहा, वो क्या कर रहे हैं इस बात का भी एहसास उनको नहीं रहा, वो वहां रहकर भी ठाकुर की लीला का दर्शन कर रहे हैं। दांतुन कर रहे हैं लेकिन याद किसकी? मेरे गोविंद की कर रहे, लीला दर्शन कर रहे, मेरे ठाकुर आ रहे, मेरी लीला हो रही, ये सब दर्शन हो रहा है। इसको कहते परम धर्म। क्या बोलेंगे इसको? धर्म है और एक परम धर्म है। परम धर्म का वर्णन भागवत में किया गया है, परम धर्म का निरूपण भागवत में किया गया मेरे भाई बहन। इसी परम धर्म की विशेषता एक बात, सर्वेश्वरी श्री राधा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में रास कर रहे थे, एक शब्द सुना होगा आपने प्रेम, सुना है कि नहीं? जवाब दीजिए, सबने सुना होगा प्रेम शब्द। लेकिन प्रेम की परिभाषा क्या है सीखिए ब्रज की गोपियों से, सीखिए सर्वेश्वरी श्री राधा रानी से। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम रिस्पेक्ट को प्रेम नहीं कहते साहब,
कई लोग जब प्रेम करना चाहते हैं तो चाहते रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए मेरी। बहुत मुश्किल काम है प्रेम में रिस्पेक्ट होना, सम्मान होना। कन्हैया गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं और रास के बीच में से अंतर्ध्यान हो गई। गोपियां कृष्ण को ढूंढने निकली और जब वो ढूंढने निकली तो एक वन में श्री कृष्ण ने अपना रूप बदला और शंकर चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुजी रूप में उन गोपियों के आगे प्रकट हो गई। गोपियां सोची कन्हैया तो कहां छिप गए, नारायण और आ गई है। तो गोपी ने नारायण ने प्रणाम करी, बाबा भगवान प्रणाम, हम तो चले, तुम ते हमें कोई काम ना है, हमें तो हमारे कृष्ण ते काम है, न जाने वो कहां छिप गए। गोपी वहां ते लौट आई और जब गोपी वहां ते लौट के आई तो ये सब संदेश गोपी ने सर्वेश्वरी श्री राधा को बतायो। श्री राधे वहां कृष्ण तो है ही ना, वो नारायण चार भुजा वारो ठाड़ो ही वहां, तो नारायण आएगो कन्हैया न जाने कहां चले गए। सर्वेश्वरी श्री राधा बोली तुम यही ठहरो, मैं जा रही हूं, मैं देख के लाऊ कहां है। और जब सर्वेश्वरी श्री राधा वहां पहुंची, आहा, वो चतुर्भुजी रूप में ठाड़े हुए तो, और जैसे ही भगवान ने, जैसे ही सर्वेश्वरी श्री राधा की दृष्टि नारायण पे पड़ी, उनकी चार भुजा वहीं की वहीं गिर गई। शंकर चक्र गदा पद्म की बजाय हाथ में मुरली आ गई, वो नटखट मोर मुकुट आए गए। सर्वेश्वरी श्री राधा की दृष्टि पात होते ही नारायण स्वरूप अदृश्य है गयो और कृष्ण स्वरूप प्रकट है गयो, क्योंकि राधा को कृष्ण चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। परम धर्म वो है जो तुम्हारी श्रद्धा विश्वास प्रेम को देखने के बाद भगवान को भी अपना रूप बदलने पर विवश होना पड़ जाए, भगवान भी तेरा होने के लिए तैयार हो जाए, भगवान भी लालाय, जैसे तू आज लालायित है, मुझे भगवान का होना है, मुझे भगवान का होना है। एक दिन वो आ जाए कि भगवान लालायित हो जाए, मुझे तेरा होना है, मुझे तेरा होना है, मुझे तेरा होना है। इसको कहते परम धर्म। भाई भगवान की खोज तो सब कर रहे हैं, हम और आप सब लगे हैं ना, कोई ज्ञान से खोज रहा है, कोई वैराग्य से खोज रहा है, कोई प्रेम से खोज रहा है, हम सब तो उसको खोज रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम उसको खोजें और उसे पालें। अगर कोई बात है तो एक बात बड़ी है, किसी दिन वो हमारी खोज में निकल जाए कि मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा दीवाना कहाँ है। लग रहा है तुम्हें दीवाना बनना नहीं, प्रेमी बनना नहीं है, ऐसे ही पिट पिट करता आलसी कहीं के। कन्हैया से प्रेम करना है तो दिल का दरवाजा जरा चौड़ा करना पड़ेगा, ये सोच बंद कर दे, यहां का दरवाजा बंद कर दे, यहां का दरवाजा आय हाय खोल दे। कन्हैया आएंगे तो दरवाजा बड़ा चाहिए ना। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम, तू अगर कृष्ण से सच्चा प्रेम कर ले तो मैं सच कहता हूं तुझे किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू स्वयं ही एक प्रेम मूर्ति तीर्थ बन जाएगा मेरे भाई, तू स्वयं ही तीर्थ हो जाएगा। तू मेरे कृष्ण से प्रेम करके तो देख,